देखो भाई, जितने मुंह उतनी बातें। अब आप बोलोगे क्यों? नारियल पानी पीना अच्छा है, लेकिन मैं उसको डेली अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ, डेली मैं 40-50 रुपए का एक नारियल पानी नहीं पी सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। नारियल पानी कभी कभार पीना अच्छा है, जब आपका मन करता है। यार सडनली कैसे नारियल पानी आप लोग पी रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। उस नारियल पानी के बदले आप बनाना ले लो यार, 50 रुपये में कितना सारा बनाना आएगा। वो नारियल पानी पी के तो आप तुरंत खा के उसको फेंक दोगे, लेकिन बनाना तो आपका चलेगा ना 10 दिन 15 दिन। अगर एक एक करके भी आप खाओगे तो थोड़ा माइंड लगाओ यार, हमको अपनी तरह से ठीक होना है। आप सोचोगे ना कि बड़ा बड़ा महंगा महंगा कोई चीज़ खाऊं तो सडनली मैं जल्दी ही ठीक होंगी या हो जाऊंगी, तो वो वर्क नहीं करेगा। मैंने क्या कहा है ना आपको, हमेशा छोटी चीज़ से स्टार्ट करो, छोटी चीज़ से। मैं जॉब करने के बावजूद भी मैंने इतना पैसा फूक, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ, मैंने इतना पैसा फूक दिया, मैंने इतना महंगा महंगा सीरम यूज़ किया, मैंने इतनी महंगी महंगी क्रीम लगाई अपने फेस पर, स्किन को सेंसिटिव किया, यहाँ तक कि मेडिसिन खाई, फ्रूट्स मेडिसिन खाई, स्किन को ब्राइट करने के लिए मेडिसिन खाई, फ़र्क नहीं पड़ा। और मेलाज़मा निकल के आ गया। क्या हुआ ना कि अंदर जो प्रॉब्लम थी ना, वो दवाई जाते जाते वो और उल्टा रिएक्शन करने लगी। मतलब उसने थोड़ा बहुत थामा भी, तो वो मुझे जब वो निकल कर आया ना, जैसे मैंने दवाई स्टॉप की, तो वो और भयंकर निकल के आया। तो मेरा कहने का सेंस क्या है पता है, आप जो हो ना, जैसे हो आप, वैसे आपका घर पर ट्रीटमेंट करो। आपको ज़रूरत नहीं है इतना वो ये कर रही है, वो ये खा रही तो वो ग्लो कर रही है। मैं सीरियसली बता रही हूँ गाइस, जब आप अंदर से खुश होने लगोगे ना, आपको किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप नॉर्मल भी साग रोटी खाओगे ना, आप सच बोल रही हूँ, उसमें भी चमकने लगोगे। बस अपने अपना कॉन्फिडेंस रखना, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ। मैंने कभी भी बड़ी चीज़ से स्टार्ट नहीं किया, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ। मैंने ड्राई फ्रूट स्टार्टिंग में कभी नहीं लिया, कभी भी नहीं। अभी मैं जॉब कर रही हूँ तो मैं खा रही हूँ, जैसे ही मेरा जॉब करना स्टॉप होगा मैं ड्राई फ्रूट्स नहीं लूँगी। मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ, देखो छुपाने वाली कोई बात नहीं है। मैं कोई बहुत रिच फैमिली से नहीं आती हूँ, एक बहुत ही नॉर्मल फैमिली से हूँ मैं, ठीक है। तो अभी मैं काम कर रही हूँ तो अपने शौक पूरे कर रही हूँ, मुझे क्या खाने का मन करता है मैं खाती हूँ, ठीक है। लेकिन मैं ना कुछ एक्सेस नहीं करती हूँ, जैसे वो कौन सा फूड है ना, एवोकाडा, ये सब, ये एवाकोंडा, ये सब मुझे नहीं पता है ना मैं खाती हूँ, ठीक है। ये कीवी फीवी भी मैं नहीं खाती, क्योंकि वो मेरे बजट में नहीं है। मैं क्या करती हूँ ना, मेरे बजट की चीज़ देखती हूँ, ठीक है। अब वही 100 रुपये में कीवी 3 आएगी, तो मैं 100 रुपीज़ में कम से कम 6, 8, 7 तो मैं एप्पल ही ले लूँगी, उसमें आ जाएंगे। तो मैं ऐसा प्रॉफिट ढूंढती हूँ कि हाँ मुझे उससे फ़र्क पड़ेगा और मुझे ऐसी चीज़ लेनी है, तो मैं ना छोटी चीज़ लेती हूँ। जैसे कि आज सीज़न वाइज फ्रूट चल रहे हैं, आप कुछ भी मत लो, आप अमरूद भी मत लो, बता, मैं तो ये भी बोल रही हूँ, बनाना तो ले सकते हो ना भैया, बनाना में सब कुछ है, आपको एक फ्रूट्स लेना ही है, बनाना ले लो यार, कुछ नहीं है, बनाना इतना कॉस्टली नहीं है, बनाना बनाना तो सबसे सस्ता है। तो आप ना आपकी बजट की चीज़ देखो, और आप ये माइंड से निकालना छोड़ दो कि विटामिन सी चाहिए तो सी चाहिए, ई चाहिए तो ई चाहिए, नहीं, सब कुछ मिलेगा आपको घर पर ही। आपकी दालों में प्रोटीन मिलेगा, रोटी में भी मिलेगा आपको, ओमेगा 3 आटे में, ऐसी चीज़ ढूंढो यार, कुछ ही, सब कुछ आपके घर में ही है। आप पता नहीं क्यों इतना टेंशन लेते हो, मेरे को पता नहीं चलता है। मैंने कभी भी पैसा होने के बावजूद भी, क्योंकि मेरा पैसा इतना फूक गया था ना, भरोसा उठ गया था मेरा, तो मैंने कभी भी ना हाई चीज़ के बारे में नहीं सोचा है। आप बिलीव नहीं मानोगे, मैंने वीडियो बनाने से पहले भी ना ऐसे बॉक्स में ऐसे ऐसे प्रोडक्ट फेंके हैं ना, और गालियाँ खाई है घर पर, क्योंकि 6-6 हज़ार के प्रोडक्ट आते थे, वो कुछ भी वर्क नहीं करते थे, बस लगा लो और पिगमेंटेशन चमकता था। तो पैसे की तो बर्बादी हुई ना, 6 हज़ार समझ रहे हो ना आप, उसमें 4 हज़ार मिला दोगे वॉशिंग मशीन आ जाएगी। बहुत उड़ाया है मैंने, 1 लाख से ऊपर ही पहुंच गई मैं, बोल रही हूँ ना, उसके बाद ही आपको बता रही हूँ। आप क्या करो ना, सिंपल खाना खाओ। आप ये मत सोचना कि कोई फैट है तो वो कीटो डाइट ले रहा है, भैया वो डाइट फीटो डाइट कछु ना आया हुआ है भैया, मैं सही बता रही हूँ तुम्हें। दाल रोटी सब्जी भी खाओगे ना, राइस सब्जी भी दाल भी खाओगे, उससे भी आप पतले हो जाओगे। अब आप बोलोगे राइस खाने से तो भैया और फैट बढ़ता है, कुछ नहीं होता है, वो आपकी थिंक में, दिमाग में ना कीड़ा डाल देते हैं। सब चीज़ अगर आप क्वांटिटी के हिसाब से करोगे ना, आप मोटे भी नहीं होगे, आप अच्छे हो जाओगे, आपका हेयर फॉल रुकना स्टॉप हो जाएगा, आपका पीरियड्स ठीक हो जाएगा, बहुत सी चीज़ें आप देखोगे आप में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसे सिंपल चलती थी, देखो सुबह क्या खाया, दाल खाया, रोटी खाई, सब्जी खाई, जो भी मेरा मन है घर का खाना मैं पूरा अच्छे से पेट भर के खाती। मैं हमेशा बोला है कि मैं बॉयल भर के सैलेड खाने में बिलीव नहीं रखती भैया, मैं टिपिकल पूरा प्योर इंडियन लड़की हूँ, ठीक है। मेरे को क्या है ना,
अगर आज खीरा नहीं है तो मैं ऑनियन उठा लूँगी, ऑनियन नहीं है, ऑनियन तो वैसे हो गई, टमाटो ले लूँगी। मतलब मेरे को ना ऐसे कोई शर्त नहीं है कि मुझे आज बीटरूट का सैलेड खा रही है तो मुझे वही खाना है रेगुलरली, ऐसा नहीं है। आपके घर में जो है उठाओ खाओ, 100% आप ठीक होगे। पॉजिटिव थिंक तो रखो भाई। नारियल पानी पीने के लिए आप लोग रेडी हो रहे हो, वो नारियल पानी की जगह आप 10 गिलास डेली पानी पी लो, डेली, फिर आप देखो। और पानी भी आप लोगों को कैसा पीना है, अभी आप लोग बोलते हो मुझे, मैं 2 लीटर 3 लीटर पीती हूँ, नहीं, आप वो भी गलती कर रहे हो। खूब सारा पानी पीने का मतलब क्या है, जैसे ही आपका येल्लो यूरिन, मैं आपको बता रही हूँ, वो थोड़ा वाइट होने लगे ना तो पानी पीना स्टॉप कर देना, ज़बरदस्ती मत पीना, क्योंकि कोई भी चीज़ ज़बरदस्ती अच्छी नहीं होती है, ठीक है। अब आप बोलोगे, आप तो बोल रहे हो पानी बहुत पीना चाहिए, आपको ना लिक्विड फॉर्म की चीज़ें सोर्स में लेनी है, ठीक है। खीरा उसमें पानी है, ठीक है ना, टमाटो है उसमें भी थोड़ा पानी है, आप राइस खाओगे दाल खाओगे उसमें भी पानी है, तो आपको उस सोर्स से भी पानी मिल रहा है, थोड़ा दिमाग लगाना, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका यूरिन वाइट हो गया, आप पी रहे हो पी रहे हो पी रहे हो, आपके ब्लेंडर आपकी किडनी में जोर पड़ रहा है, बस ऐसा मत करना भाई। और हाँ, जब प्यास लगती है ना तब तो 100% पानी पीना, क्योंकि आपकी बॉडी को उस समय पानी की 100% ही 500% ज़रूरत होती है। और क्यों पीना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी उस समय मांग रही होती है, जब आपको मतलब आपकी बॉडी आपको बता देती है कि हाँ मैं अंदर से सूख रहा हूँ, तो वो एक एग्ज़ाम्पल होता है कि आपकी बॉडी में पानी की कमी हो रही है। लेकिन जब आप लिक्विड फॉर्म में चीज़ें खाओगे, आपको खाने से भी पानी मिल रहा है, आप 8-10 ग्लास भी पानी पी रहे हो, तो बस से पूरे दिन में 8-10 ग्लास पानी नहीं पी सकते, ग्लास बोल रहे हो, बॉटल भी नहीं, उससे भी आप ग्लो करोगे। और बताओ, तो आप ना ये थिंग छोड़ दो कि दीदी हम लोग को ना नारियल पानी पीना चाहिए डेली, आप प्लीज़, आप पी सकते हो तो आप पियो, लेकिन हर कोई वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकता है। और मैं तो सच बता रही हूँ, मैंने नारियल पानी ऐसा नहीं पिया, मैं पीती हूँ, ऐसा नहीं है कि नहीं पीती हूँ, बहुत रेयर केस में मुझे मन करता है तो, लेकिन मैं नहीं पी सकती, ऑलरेडी मुझे एलर्जी भी है, कोल्ड भी जाता है, और ऐसे भी मैं पीती भी नहीं हूँ, ठीक है। बहुत रेयर केस, ऐसे यूरिन इन्फेक्शन हो गया या जलन हो गई, तो नारियल पानी बेस्ट है आपके लिए, वो भी खाली स्टमक पीना चाहिए। तो ऐसे डेली रेगुलर में भैया 50-50 रुपये का रोज़ नारियल पानी पीऊँगी तो मेरा काम हो गया, उसकी जगह मैं फ्रूट्स ही ले लेती हूँ। तो आपको भी ऐसा ही करना है, घर का खाना खाओ, अपने ऊपर विश्वास रखो, टन रहो, ठीक है, 100% नहीं 500% ठीक होगे। सबसे बड़ी चीज़ है आपको खुश रहना है, इसलिए बोलती हूँ खुश रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, और कंफ्यूज होना बंद कीजिए। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय।